दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि जब वो अपने चैनल पर बैनर सेट करते हैं अपने मोबाइल से तो उनका जो चैनल बैनर है वो सेट नहीं होता किसी ना किसी रीजन के कारण। तो आज की वीडियो में आपको मोबाइल से दिखाऊंगा कि आपको बैनर सेट करने के वक्त कौन सी दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत का आपको कैसे सोल्यूशन करना है और आपको यूट्यूब ऐप से ही बैनर कैसे सेट करना है वो सब बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ये सारा प्रोसीजर और मैं आपको अपने एक चैनल पर दिखाऊंगा बैनर को सेट कर और उस प्रॉब्लम को भी दिखाता हूं जो बहुत सारे क्रिएटर्स को आती है बैनर सेट करने के बाद। तो चलिए मैं यहां पर YouTube को ओपन कर लेता हूं और ऊपर देखिए चैनल लोगों पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहां पर मैंने क्लिक किया और यूअर चैनल पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई दूसरा चैनल बैनर सेट कर रखा है तो मैं इसको चेंज कर आपको दिखाता हूं। एडिट वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, पेंसिल वाले आइकन पर। तो उसके बाद यहां पर देखिए वो बैनर जो ऊपर कैमरे का आइकन है इस पर मैं क्लिक कर लूंगा और इस पर मैंने क्लिक किया चूज फ्रॉम योर फोटो पर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो ये रिडायरेक्ट मुझे गैलरी में ले जाएगा। तो यहां पर देखिए गैलरी में आ चुका हूं। तो अब मैं यहां से एक बैनर को सिलेक्ट कर लेता हूं जो अभी मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी दिक्कत आपको आती है। तो यहां पर मैंने क्लिक किया तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं और ऊपर कॉर्नर पर सेव लिखा हुआ है सेव पर मैं क्लिक कर देता हूं। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए ये मुझे रीडायरेक्ट यहां पर लेकर आता है। तो बहुत सारे क्रिएटर के साथ ये प्रॉब्लम आती है, यहां पर बैनर सेट नहीं होता। तो नीचे देखिए कुछ लिखा भी आ रहा था तो इस तरीके से यहां पर ये बैनर सेव नहीं हो रहा। यहां पर आप देख सकते हैं वही जो पहला बैनर था वही लगा हुआ है। मैंने बैनर को सेट करने की कोशिश की तो अब मैं फिर से इसको लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए आपको जल्दी जल्दी बैनर को सेट करना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको जल्दी जल्दी बैनर को सेट करना है। यहाँ पर मैंने ड्रैग किया सेव कर दिया। आपको इस तरीके से 4 से 5 बार कर देना है। मैं यहाँ गैलरी में से फिर से वो बैनर को पिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ और इसको जल्दी जल्दी ड्रैग करता हूँ और ऊपर से सेव पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे लिखा आ रहा है फेल्ड, देखिए फेल्ड लिखा आ रहा है, आपके भी इस तरीके से आएगा लेकिन आपको जल्दी जल्दी ऐसे ड्रैग कर सेव कर देना है। ठीक है, तकरीबन 4-5 बार कीजिए तो ये आपका जो बैनर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। आपको बस जल्दी जल्दी करना है, 4 से 5 बार ड्रैग करना है सेव करना है, ड्रैग करना है सेव करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए बैनर सेट हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम सभी क्रिएटर को तकरीबन आ जाती है जब वो यूट्यूब ऐप से बैनर को सेट करते हैं। तो बस आपको यही तरीका अपनाना है, आपका बैनर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।